है। और जो घी होता है वो आपको बफेलो का नहीं लेना है, आपको काउस घी ही लेना है, काफी चीज का ध्यान रखिए। दूसरा है आप कैस्ट्रॉयल यूज कर सकते हैं, आप ग्रीस को यूज कर सकते हैं, मेल्टेड जो बटर होता है उसको ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पानी में क्या करना है, आप सिल्वर होता है, जो सिल्वर होता है सिल्वर में पानी रख के, जैसे सिल्वर का ग्लास है उसमें पानी डाल के आप पी सकते हैं, ठीक है। और कॉपर पॉट का जो पानी है वो आपको नहीं पीना होता है, कॉपर पॉट होता है, ठीक है, जो तांबे का बर्तन है उसका पानी नहीं पीना है, आप चांदी का पानी पी सकते हैं, या तो क्ले का पॉट होता है, ठीक है, उसका पानी पी सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो आपको नहीं खाना है आपको जितना हो सके कुकुम्बर कम अवॉइड कीजिए, जो ना के बराबर है आपको नहीं खाना है, कैरेट नहीं खाना है, कैबेज जितना हो सके कम खाना है, स्पिनच वगैरह ये सब भी कम खाना है, वाटरमेलन हो सके तो कम खाना है, मेलन है जो वो कम खाना है, ठीक है। आई होप आप लिख रहे, रिफाइंड ऑयल आपको कम खाना है या तो नहीं खाना है, वेजिटेबल ऑयल भी आपको नहीं खाना है, चीज पनीर को भी कम करना है या तो नहीं खाना है, व्हाइट शुगर कोल्ड जो स्टोर्ड फूड होता है वो नहीं खाना है आपको, होटल फूड जो होता है पिकल्स होते हैं उसको नहीं खाना है, जो कैशू है पिस्ताचू है आपको वो नहीं खाने हैं, गार्लिक है ऑनियन है इनको कम यूज करेंगे, और कॉपर पॉट में आपको पानी नहीं पीना है, या तो मतलब अगर आप आदत है तो भी आप इसको कम करिए, आप देखेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपको ऐसे ही रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। तो आई होप आपने सब चीजें लिखी रही है, ये बहुत ही सिंपल चीजें थी, बहुत सारे लोगों को पता भी हो सकती है, पर ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी रोज की लाइफस्टाइल में, और आप इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनूप सिंह जी। क्षमा चाहूंगा, मेरा एक्चुअली स्वामी रामदेव जी महाराज का एक अचानक कार्यक्रम लाइव बन गया, तो मुझे उसमें होस्ट था बनना पड़ा, तो जी। सेम टाइमिंग था, वो भी 7 बजे ये भी 7 बजे, तो मैं आपके सेशन में आपका स्वागत नहीं कर पाया, माफी चाहता हूँ। कोई मगर बात अभी नहीं, कोई जैसे ही बात वो कार्यक्रम खत्म हुआ मैं इसमें ज्वाइन हुआ हूँ, मैं आपका वीडियो देखूंगा। नहीं। मगर जी। सभी की, कर्नाटक के हमारे सभी योग प्रेमियों की ओर से, और जो भी लगभग 15-16 कंट्री से हमारे जो साधक इसमें जुड़े हैं और पूरे भारत से जी जुड़े हैं, उन सब जी की ओर से आपका हार्दिक आभार। और शुक्रिया जी। आपने मुझे जो यूट्यूब का लिंक भेजा, मैं ग्रुप में रहा हूँ, आगे भी हम लोग सहयात्री बने रहेंगे, जी जी और बिल्कुल भारत को आरोग्यमय भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत बनाने का जो संकल्प है वो हम बिल्कुल जी सब एक ही लक्ष्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जी बिल्कुल जी बिल्कुल और मुझे पता चला कि आप भी इस दिशा में काफी काम कर रहे हैं, तो ये हमारा अभी आज तो पहली मुलाकात है, मगर यात्रा आगे बढ़ेगी बिल्कुल ऐसी मैं बिल्कुल जी, ये तो शुरुआत है उम्मीद जी। रखता हूँ। जी। तो क्योंकि ऐसे और भी बहुत मैं सारी एक्चुअली चीजें हैं ट्रैवल जी। कर रहा। जी, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, बस जरूरी नहीं है आपका मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, एक नॉर्मल पर्सन को वो एक बेसिक चीजें है जो पता बहुत होना चाहिए, जो डे टू डे लाइफ में अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको मतलब डॉक्टर्स की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। देखिए मैं किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं हूँ, हमें क्या करना है बिना दवाई के, देखिए प्रिवेंशन ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो अगर हमने उस चीज के ऊपर फोकस करेंगे तो हमें उस लेवल पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जी हमारा कुछ भाई खाना ही बहन, हमारी जी हमारे खाना ही बिल्कुल हमारा मेडिसिन बिल्कुल होना चाहिए जी। बिल्कुल, कुछ भाई बहन आपसे थोड़ा संवाद करना चाहते हैं, मैं एक एक नाम ले रहा हूँ, शॉर्ट जी जी में जी जी आप थोड़ा उनका समाधान कीजिएगा। जी जी सबसे पहले वंदना जी, हितेश वंदना, और अनम्यूट माड़ी, शॉर्ट संक्षिप्त दली केड़बे को संक्षिप्त में बात करेंगे। वंदना जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। जी मेरे मेरे बॉडी में पूरा नर्वस सिस्टम वीक लगता है, तो इसके लिए क्या करें? बहुत से प्रॉब्लम, वैसे तो बहुत प्रॉब्लम्स है, ड्राई जी स्किन है, आई प्रॉब्लम्स है, और ऐसे नेक पेन है, इसके लिए क्या करें?
जी देखिए, सबसे पहले जो आपने बोला नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो डायग्नोसिस करना है कि बॉडी में कितनी इंटेंसिटी में प्रॉब्लम हो रही है। इसमें आप जनरली अगर कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको इतना इफेक्ट नहीं मिलेगा, आपको थोड़े टाइम के लिए अच्छा तो लगेगा पर वो जड़ तक चीज को नहीं ठीक कर पाएंगे हम जी। तो इसमें क्या होता है कि जब हम उस आपकी अगर टंग को देखेंगे या आपकी पल्स को चेक करेंगे तो उस समय पता चलेगा कि वो प्रॉब्लम किस किस चीज से रिलेटेड है। क्योंकि जैसे आपकी स्पाइन होती है, अगर आपको स्पाइन के बारे में पता होता है, वहां से अलग अलग डिफरेंट स्पाइनल बंडल निकले होते हैं, जिससे क्या होता है कि वो हर एक ऑर्गन से कनेक्टेड है। तो हमें आपके सिम्टम्स लेनी होती है, आपके जो केस हिस्ट्री लेनी होती है, जिससे हमें समझ में आ सकता है कि वो प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है। देखिए आप पेन किलर जैसे मैंने आपको बताया है तो आप क्या कर सकते हैं, ब्रेन के जो पॉइंट्स है उनको एक्टिवेट कर सकते हैं, या तो आपके स्पाइन के जो पॉइंट्स है, जैसे मैंने आपको बोला था जो आपके स्पाइन के पॉइंट्स है वो आपके यहाँ पे इस एरिया में आते हैं, तो आप इस प्रकार से उनको स्टिमुलेट कर सकते हैं। जनरली ट्रीटमेंट जो आपको मैं बता रहा हूँ, आप इस प्रकार से उनको स्टिमुलेट कर सकते हैं दोनों साइड में, ठीक है। आप पैर पे भी उसे स्टिमुलेट कर सकते हैं, पर ये जनरल ट्रीटमेंट है। बट अगर आप उसको जड़ से ठीक करना चाहते हैं, पहले हमें उसे समझना पड़ेगा वो प्रॉब्लम क्या है। जैसे अगर आप सर दर्द हो रहा है तो आप हेडेक की मेडिसिन क्या खाते हैं, पेन किलर, तो दैट इज पेन को मारता है, ना कि आपकी प्रॉब्लम को ठीक करता है। जी, डॉक्टर से कंसल्ट करके हमने मेगाब्लिन टैबलेट्स भी लिए है 3 months के लिए। जी जी जी, तो उससे कुछ रिलीफ मिला आपको? 3 months के बाद फिर से शुरू हो गया। जी 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 जी, नहीं आपने क्या किया, उसके सिम्टम को ठीक करने की कोशिश की, ना कि रूट कॉज को, क्योंकि रूट कहीं और है, फ्रूट कहीं और है। जी, तो उसमें अगर हम समझेंगे ना, जैसे अगर आपको मेडिसिन दी तो ये क्या टेम्पररी सोल्यूशन हो गया आपका। तो जैसे भी मैंने आपको पॉइंट भी बता दूं, कहीं कहीं जगह वेरिकोज नर्व भी हुए, कहीं कहीं जगह। हाँ, तो इसमें क्या देखो, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी आपका लेग्स है, आपके भी जो स्टैंडिंग पोजीशन में बहुत सारे काम होते रहेंगे, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जब आपकी बैक की भी इश्यू आती है तो आपके जो नर्व्स है वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है और आपके लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, जिसमें दिक्कत आपके आती है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा बिकॉज देखो ब्लड कैरीज ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ब्लड ही आपकी सब जगह पे उसको स्टिमुलेट करता है, ब्लड ही सब जगह पे न्यूट्रिशन को पहुंचाता है जो भी आप खाते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बॉडी में स्ट्रेचेस कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आप जैसे बैठ के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, हैंड को स्ट्रेच कर सकते हैं, लेग्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, जिससे आपके हैमस्ट्रिंग या लेग की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। क्योंकि जैसे जैसे मसल स्ट्रेच होते हैं तो उससे क्या होता है, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है वहां पे, जिससे क्या होगा, जैसे ब्लड वहां पे अभी ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो वहां पे क्या होती है, नर्व जो फूल जाती है, जिसके वजह से वेरिकोस वेन बढ़ती जाती है, वो खत्म नहीं होती, वो लाइफ टाइम तक रहती है, ठीक है। जी, तो अगस्त में कोरोना हुआ था, फिर उसके बाद ठीक भी हुए, लेकिन उसके बाद से बहुत वीक फील हो रहा है। आपको ऐसा करते हैं, कुछ सुझाव जो है आपको मैसेज के द्वारा देंगे, क्योंकि दूसरों का भी थोड़ा सा नंबर लगाना है, बात लंबी नहीं हो पाएगी, तो कुछ जो बातें बताइए उसको आप फॉलो कीजिए और हम इनसे आगे भी संपर्क में रहेंगे तो और भी समाधान आपको मिलेगा। धन्यवाद विनायक कामत। माताड़ी गुरुजी, इदो एक्यूप्रेशर बिफोर मील्स या आफ्टर मील्स करने का है? हेलो, एक्यूप्रेशर पूछ रही है, खाने से पहले करें या बाद में करें? जी देखिए क्या होता है ना, खाने से पहले करें बाद में करें? मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ, आप समझ के कीजिए। कभी भी एक्यूप्रेशर या कोई भी आप थेरेपी या एक्सरसाइज करते हैं, वो आपको खाने के पहले क्यों करनी है और बाद में क्यों करनी है, आप लाइफ टाइम ये याद रखिए कि जब भी आप एक्यूप्रेशर या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तब आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ठीक है। जब आप कुछ भी खाते हैं तो आपका पूरी का पूरी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो मोस्टली आपके गट के एरिया में आ जाता है, डाइजेशन में लगना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, आप देखेंगे कि आपको नींद भी आना स्टार्ट हो जाती है, कि बॉडी रिलैक्स करना चाहती है और पूरा फोकस करना चाहती है डाइजेशन के ऊपर। तो जब आप क्या करते हैं कि आप खाना खाने के बाद कंटिन्यू बहुत सारा काम करना स्टार्ट कर देते, चलना फिरना चालू हो जाते, तो आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता। तो खाने के बाद हमेशा रिलैक्स करके
रेस्ट करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि खाना पच जाए। और रही बात आपकी एक्यूप्रेशर की, जैसे मैंने बोला कि हम हमेशा ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी के लेवल पे काम करते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि जब आपने खाना खाया है तो उसका फोकस, हमारी एनर्जी का फोकस और ब्लड सर्कुलेशन का फोकस हमारे खाने को पचाने में लगा रहे। तो खाने के हमेशा आप 1 आवर पहले कर सकते हैं, ठीक है, और या तो आप खाने के 2.5 से 3 घंटे के बाद कर सकते हैं, जब आपका जो डाइजेशन है ऑलमोस्ट वो प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास एनर्जी इतनी बच जाती है कि वो जो भी आप पॉइंट्स अप्लाई करते हैं उसमें आपको रिजल्ट और बेनिफिट मिल जाए। नमस्ते गुरुजी, गुरुजी सुन रहे हैं? गुरुजी मुझे 2012 में सायाटिका का प्रॉब्लम हुआ था जी, 2011 में, तब से मैं ज्यादा देर एक ही पोजीशन में बैठने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर ऐसे ही बैठ रहा हूँ तो कोई नर्व जैसा है वो पकड़ लेता है मुझे, मैं हिल भी नहीं पाता हूँ, तभी बहुत पेन होता है। तो इसका क्या कर सकते हैं उसके लिए? राइट साइड या लेफ्ट साइड में जी? दोनों तरफ भी कभी कभी होता है। मोस्टली किस जगह पे होता है? मोस्टली ये नी के पीछे, नी के पीछे है ना, वहां से शुरू होता है, वहां से शुरू होकर बहुत दर्द होता है वो। अभी तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ कहीं ना, तभी ये झोंके होते हैं, मुश्किल होता है फिर। अच्छा 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 अच्छा, सबसे पहले आपका काम बैठ के कुछ है, ऑफिस वर्क वगैरह आप करते हैं? नहीं, घूमने का ही है, पूरा टू व्हीलर में ज्यादा घूमता हूँ। अच्छा अच्छा, आप यूरिन को बहुत होल्ड करते हैं क्या? कभी कभी करते हैं। अच्छा, तो आप जी जी, तो आप यूरिन को होल्ड करना बंद कर दीजिए, ये उसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा आकर हो रही है, पहली बात। दूसरी चीज क्या हो रहा है कि आप जब ज्यादा वॉक करते हैं, ये करते हैं, तो आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो फ्रंट बेंडिंग में ज्यादा जा रहा है, बैक बेंडिंग में नहीं जा रहा है, जिसके वजह से जो आपकी स्पाइन की लोअर स्पाइन है, क्योंकि जो आपने बोला है वो आपके सैक्रल और लंबर से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, हमें लोअर बैक की जो बैक बेंडिंग की एक्सरसाइज है, जिसमें भुजंग आसन हम करते हैं, तो बिग टो को आप टच करेंगे और हाथ चेस्ट पे रखते हुए भुजंग आसन करेंगे, ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि आपको एक बार करेंगे तो ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिलेगा, पहली बार। और जब हम रिफ्लेक्सोलॉजी की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारा जो हाथ है आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे दो लाइन दिखेगी आपको, दो लाइन दिख रही है जी, तो आपको इन दोनों लाइन पे सबसे पहले तो इस प्रकार से प्रेस करना है, बीच में हाँ, नहीं हाँ, यहाँ पे जो दोनों लाइन है ना, तो उसपे आप पूरे, इस प्रकार पूरे लाइन में, हाँ, पूरा लाइन जी 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 हाँ, यस यस, उसपे अच्छा, दोनों साइड पे इस प्रकार से अच्छे से उसे स्टिमुलेट कर सकते हैं, या तो इस प्रकार के रिंग ले सकते हैं, उसे स्टिमुलेट करेंगे तो ये रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट से के हिसाब से वहाँ पे साइटिका की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट ये डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो आप करेंगे तो आप खुद इसका बेनिफिट लेके आप देखिए, क्योंकि ऐसे हमने बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको इमिडिएटली रिजल्ट दिखाया है कि आपको यहाँ पे अप्लाई करने से रिजल्ट मिल जाता है। दूसरी चीज आप क्या कीजिए, अगर आपके दोनों जो फिंगर है, मिडल फिंगर और आपके रिंग फिंगर है दोनों हाथ की, तो उसमें इस प्रकार के एक्यूप्रेशर की रिंग लीजिए और उसे इस प्रकार से स्टिमुलेट करने की कोशिश कीजिए दोनों हाथों को जी जी हाँ। और इससे क्या होगा, आपको हमने 2 से 3 ट्रीटमेंट बता दिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूरिन को होल्ड नहीं करना है, ठीक है, और दूसरी बात क्या करना है, आप जब आप कुछ दिनों के लिए, मतलब 1-2 महीने के लिए आप क्या कीजिए, यूरिन जब भी पास करेंगे ना तो आपको बैठ के पास करना है, खड़े होकर नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, तो ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है, क्योंकि अच्छा, जो एरिया आपने बताया है वो ब्लैडर की मेरिडियन जाती है, जो थोड़ा सा एडवांस लेवल है समझने के लिए, पर ये उससे रिलेटेड होता है, ठीक है, ठीक है। दूसरी आप भुजंगासन ऐड कीजिए, ठीक है, और तीसरी चीज आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो मैंने आपको दोनों साइड पे बोला है स्टिमुलेशन कीजिए, तो आप ये रोज सुबह करके भी निकलिए, दिन में भी कर लीजिए एंटी स्टमक और रात को भी एंटी स्टमक कर लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। और फिंगर्स का स्पेरिंग इनको दिया गया है, इनको जो किट दिया है उसमें दिया गया है इक्विपमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आई होप आपके पास ये सब होगा तो और भी अच्छी बात है, तो आप इनका इनका एक्चुअली यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। हेलो, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। मुझे हार्मोन इम्बैलेंस के लिए क्या करना है गुरु जी? कौन से हार्मोन से रिलेटेड है जी?
वो पता नहीं, हार्मोनल इम्बैलेंस बता दिया है आपको। क्या फेशियल हेयर आ रहे हैं? नहीं नहीं, पीरियड्स प्रॉब्लम है, स्पॉटिंग है। अच्छा अच्छा, तो वो आपकी ओवरी से रिलेटेड है? जी जी। तो आपको क्या करना है, जो यूरोजेनिटल जो एरिया है, वो जो एरिया है उसके लिए जो पॉइंट्स, अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पूरे के पूरे पॉइंट्स आते हैं यूरोजेनिटल, जिसमें आपकी ओवरीज आती है, ठीक है, मेल में आपके टेस्टिकल्स आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस प्रकार की, आई थिंक आपके पास इस प्रकार की भी रिंग होगी, तो आपको इस प्रकार से स्टिमुलेट करना है। ओके। और दूसरी चीज आपको क्या करना है, ऑर्गन से रिलेटेड जो आपने एंडोक्राइन सिस्टम बोला है उसको रिफिल करने के लिए और उसकी एनर्जी एनहेंस करने के लिए आपको क्या करना है, हेल्दी सोर्स ऑफ फैट खाना है, विच इज आप यू कैन हैव, आप क्या खा सकते हैं, अलसी खा सकते हैं, अलसी को चबा चबा के खाइए, ठीक है। उसमें ओमेगा 3 होता है, जिससे आपके हार्मोन इम्बैलेंस बैलेंस होंगे पहली बात। और दूसरी चीज क्या करेंगे, जो आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, जब भी पीरियड्स की, ये बहुत बहुत आई थिंक आप सब ध्यान रखिए, ये बहुत ही नेचुरल जो मैं ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ और इसके मैंने हजारों रिजल्ट्स देखे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को अप्लाई कीजिए। आप क्या कीजिए, गाय का दूध, जब आपका पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, या चाहे वो डिले हो रहा है, या तो उसमें क्लॉट्स आ रहे हैं, या तो ओवरफ्लो हो रहा है, कोई भी आपके पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, राइट, तो आपको क्या करना है, आपको गरम दूध करना है, एक काउस मिल्क आपको लेना है एक कप में, और उसमें आपको एक चम्मच डालना है गाय का, गाय के घी का। जी जी, ठीक है। और उसको मिला के आपको गरम गरम पीना है। जी जी। तो आपके जो भी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो होना ठीक हो जाएगी। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि आपको ब्लीडिंग अच्छे से नहीं हो रही है, कम हो रही है, तो उसमें क्या करें, हम शतावरी चूर्ण होता है वो दूध के साथ मिला के आप ले सकते हैं। गुरुजी, स्पॉटिंग बिटवीन पीरियड है? बिटवीन पीरियड है ना जी। तो आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, जब भी आपका साइकिल आएगा ना जी, तो साइकिल के टाइम पे आप ये करना स्टार्ट कर दीजिए, तो वो एक फ्लो में आके निकल जाएगा, वो स्पॉटिंग होना बंद हो जाएगी। जी जी। रात में पीना है क्या? हाँ, रात को पीना है सोने से पहले।